तो ये सबसे सबसे खतरनाक है सब, क्यों एकदम सीधा रास्ता है। ये जो सामने फॉर्च्यूनर जा रही है, इसने पूरा मुकुल को इरिटेट कर दिया। नाइट एंगल बॉडी। यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी और चाय, और साथ में ये व्यू। ठंडा भी बहुत हो रहा है इसलिए चाय और मैगी मंगाई है। नहीं नहीं अरे अभी मैं और मुकुल पहुंच चुके हैं चाची धाम बाबा जी के मंदिर। मंदिर में दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, अब चल रहे थोड़ा सा। तो अभी अपन लोग घोड़ाखाल मंदिर तो पहुंचने वाले हैं यार। यहाँ पे भी देखो यार कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम बादल जैसा। और पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे क्लियर था, समय तो अलग ही लग रहा है। ये देखो यार एकदम सामने कैसे बादल ही बादल हो रहे हैं मेरे, जो मैं लगभग बया ही नहीं कर सकता यार। गाड़ी देखो, गाड़ी गायब हो गई सामने जाके यार। तो ये मंदिर पहुंचते, मंदिर से तो भाई और प्यारा व्यू आएगा। तो ये सबसे सबसे खतरनाक है सब, क्योंकि एकदम सीधा रास्ता है। यहाँ पे स्कूटी फेल हो जाती है, स्कूटी कभी नहीं चढ़ पाती है। ये देखो तो बहुत ही पतला है, चलाने को चला सकता हूँ भाई, बट मैं न्यू हूँ यहाँ पे, मैं कभी रिस्क नहीं लेता। और उसने मुझसे एक बारी में गाड़ी मांगी, मैंने तुरंत इसको गाड़ी दी। देखो भाई कैसे हो रहा है, लग रहा है कोहरा कोहरा, लेकिन पहाड़ों पे कभी कोहरा नहीं होता, पूरे पूरे बादल है यहाँ पे। इन्हें मुझसे स्कूटी मांगी, भाई तुझे मुझे दे दे, मैंने दे दी स्कूटी। स्कूटी लवर्स भाई, स्कूटी मांगी थी इसने, बट मेरे पास स्कूटी थी नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि फिर मुझे बाइक दे दे, तो मैंने बाइक दे दी। वही नहीं, मंदिर भी पास में रह गया है, बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अलग ही लेवल है भाई साहब। ये जो सामने फॉर्च्यूनर जा रही है, इसने पूरा मुकुल को इरिटेट कर दिया। यही कहा जा रही है इसके चक्कर में साला, क्योंकि भाई हॉर्न पड़ा था, रुके रुक रहा है बार बार, हॉर्न इतना दे रहा है बंदा पागल हो जाए। मैंने साले तू ही जा भाई, मैं पीछे हूँ तेरे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, निकलने दे रहा है ना, निकाल रहा है ना, साइड में रोक रहा था। मंदिर आ गया, अब मंदिर पे जाके बात करती है। बाकी टावर देखो यार, कुछ नहर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अभी अपने लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पर, और अपने लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है, मैंने और मुकुल ने। तो मुकुल तो फिलहाल फर्स्ट टाइम आया, अब दिखाते हैं इसको मंदिर बढ़िया करके। चलो भाई आओ भाई, जय बाबा जी। और इस समय भैया कह रहे हैं सही टाइम पे आओ। पूरे मंदिर तक घंटे घंटे हैं, मंदिर में भी घंटी घंटी है। किनको समर्पित है मंदिर? गोलू देवता। हाँ गोल जी। हाँ नाइट एंगल बोल रही, नाइट एंगल बोल रही, ये नाइट एंगल बर्ड है, ये देखने को नहीं मिलती बहुत आसानी से। हाँ, कहाँ जा रही है? तभी मंदिर में दर्शन करते हैं बढ़िया करके। मैं तो पहली बार आ चुके हैं, लेकिन जब पहले आए थे ना तो बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी। भैया कह रहे हैं इस बार तो खाली पड़ा है पूरा मंदिर, वैसे लग भी रहा है यार, देखो ना खाली पड़ा हुआ है। नहीं बंदर लेते नहीं, मतलब बंदर अपने को अटैक नहीं करे, ले भी ले। हाँ ले जाते हैं, पकड़ के रखो, फिर चढ़नी पड़ती है बस मुकुल, थोड़ा बहुत यहाँ बैठा था मैं। सारे घंटे लाइन से लगे हुए, ये वाले सारे सारे एक ही साइज के घंटे, एक ही साइज के पूरे लाइन से लगे हैं। ये जो कैमरे हैं व्हाइट व्हाइट आ रहे हैं ना, ये कैमरे के उस पर कुछ नहीं है, ये यहाँ पे हो ही रहा है भाई। ये देखो ना पूरे में बादल बादल हो रहे हैं। देखो तो ये मंदिर में दर्शन करते हैं। तो अभी तो फिलहाल अपने रुके थे यहाँ पे सैनिक स्कूल में, मुकुल फोटो वगैरह खिंचाने थे, तो फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचा के निकलते हैं फिर सीधा रुद्रपुर के लिए। अपनी खींचनी ये देखो फोटो खींच रहा है, क्या नहीं खींचनी है। चलो भाई थोड़े फोटो वोटो खिंचाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा रुद्रपुर के लिए। बीच में कहीं रुकेंगे तो देखेंगे, बाकी अभी सीधा निकलते हैं अपने शहर के लिए। तो खाने में कॉन्सेंट्रेट कर, घोड़ा खाल से तो आ गए और यहाँ पे आके फिलहाल ऑर्डर कर रहे हैं मैगी और गर्मा गर्म चाय। बाकी ठंडा ही बहुत हो रहा है, इसको जाने से पहले मस्त करके ठंडा भी हो रहा है, और यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी और चाय, और साथ में ये व्यू, ये नहीं पीछे की साइड में जो है पहाड़ों का व्यू, ये कहाँ मिलता ही नहीं मिलेगा ये चीज। टमाटर के पेड़ भी दिखा रहे हैं, और ये आंटी जी ने फार्मिंग कर रखी है यहाँ पे टमाटर की। अच्छा ये शोके का पेड़ है। तो ये मैगी और चाय आ गई है, तो ये खाते पीते हैं उसके बाद सीधा निकलते हैं। ठंडा भी बहुत हो रहा है इसलिए चाय और मैगी मंगाई है। नहीं नहीं अरे ना तो खाते हैं, खाने के बाद निकलते हैं। तो फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं भाई भीमताल से लगभग, ये समझ लो आधा रास्ता तो अपना कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा बहुत रह गया है। तो अभी अपने लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, अब यहां से सीधा जाना है अपने काठ गोदाम, और ये रहा एक्वेरियम कैफे, ये बहुत बढ़िया कैफे है, कभी आएंगे यहाँ भी। यहाँ पे भाई किसी के पैर में मत चला दियो, डरा रहा है राइट।
तो ये पहाड़ों को कह चुके हैं अलविदा, अब आ चुके हैं हम लोग हल्द्वानी शहर में। और ये जो नया पुल बना था उसी पे चलता है भाई, खड़गड़ खड़गड़ पूरा लोहे का पुल है ये, खड़गड़ खड़गड़ आवाज करता है, अच्छा है। सीधा रुद्रपुर पहुंच के बात करें, फाइनली अपने लोग पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। तो अभी अपने लोग वहां से घर में पहुंच चुके हैं और काफी आज थक भी गए हैं और अपना खाना आ चुका है, खाने में बने पनीर और पूरी। तो खाना ना खाते हैं, काफी ज्यादा थकान भी हो गई है, अभी कल बात करेंगे। इस वाली वीडियो फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, आई होप अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो तो गुड बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। आज पूरा रास्ता गाड़ी मुगल ने चलाई थी, ज्यादा बर्डन डाल दिया मुगल पे ड्राइवर साहब, मजेदार एक्सपीरियंस था, मजेदार एक्सपीरियंस था, परेशान चलाई थी। तो अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।